हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और गाइज, हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, 10:00 देख सकते हैं घड़ी में, 5 मिनट हो चुका है। देखिए सुहानी या मेरे सिस्टर अभी तक सोई है। ये लोग जो रात भर जाग के गाइज रात में मूवी देखती है, दिन में सोया रहती है। सो गाइज चलिए, आज सुबह का शुरुआत जो है गाइज, आप लोगों को पता है मेरा चाय से होता है। चलिए हम चलते सीधा नीचे दूध लाने और आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं दुकान, क्योंकि दुकान मेरे घर के पास में भी है, पर उधर जो है हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे ब्रेड, और ब्रेड तो मिल जाता है गाइज, बटर जल्दी कहीं मिलता नहीं है। तो गाइज हमको थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है बटर के लिए, तो हम इधर से दूध, ब्रेड, बटर सारा कुछ ले लेंगे। हम उसे भी दुकान आ ही चुके, चलिए चलते। सो गाइज हमने सारा सामान ले लिया, दूध, ब्रेड, बटर सब। अब चलिए चलते हैं घर। सो गाइज हम आ चुके हैं घर। अरे देखिए सुहानी भी सोकर उठ गई है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सो गाइज हम सारा सामान लेकर आ चुके हैं। अरे मेरे सिस्टर को देखिए, ये तो सोए ही है अभी तक। चाय वाय बनाते हैं। सो गाइस मेरा जो मैंने दूध जो चढ़ा दिया चाय के लिए, उसके बाद दूध चाय बन जाएगा, फिर हमको ब्रेड को भी जो है सेक कर उसमें बटर लगाना है। पहले चाय बना लेते हैं तड़प से। तो पानी को देखिए। तो गाइस चलिए थोड़ा सा चलते हैं ऊपर। ऊपर का थोड़ा वेदर, आज का हम जो मौसम हमको पता नहीं चल रहा है कैसा है। थोड़ा छत पर से चल के देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आज का वेदर कैसा है। सो गाइस हम आ चुके हैं छत पे और आज का वेदर ठीक लग रहा है। आज नहीं लग रहा है कि आज बारिश, क्योंकि मौसम पूरा साफ है, बादल साफ है, देख सकते हैं गाइस। लग नहीं रहा है थोड़ा भी कि आज बारिश होने वाला और ऐसे ही हो, क्योंकि कंटिन्यू जो है दिल्ली में एक महीना से बारिश ही हो रहा है, जिससे परेशान है सभी। आज ऐसा लग रहा है आज जो है हमको पतंग उड़ाना चाहिए, क्योंकि मौसम थोड़ा साफ लग रहा है। तो सोच रहे गाइस चलेंगे थोड़ा मार्केट से जो है पतंग लेकर आएंगे और एक ट्राई करेंगे, क्योंकि गाइस हमसे तो उड़ता भी नहीं है। उड़ता भी है ना तो चले जाता है दूसरा का छत में जाके, वो वहीं रह जाता है, फिर वापस आता भी नहीं है। ऐसा होता है, उड़ तो जाता है गाइस, हम उड़ा भी लेते हैं, बहुत दूर तक जाता है, लेकिन क्या होता है कोई कोई छत ही पे जाके मेरा अटक जाता है, दिक्कत यही हो जाती है, और कुछ नहीं है बस। बट बहुत मज़ा आता है गाइस। सुहानी को एक दिन दिए, वहाँ तक चले गया था गाइस हमारा पतंग, सुहानी के हाथ में दिए, वो पूरा छत में नीचे गिरा दी, ऐसा हो गया गाइस। अभी चलेंगे, पहले चलिए चाय वाय बन रहा है नीचे, पी लेते हैं मस्त, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलेंगे थोड़ा मार्केट। मार्केट से देखते हैं वो पतंग लाएंगे खरीद के, मौसम तो ठीक है तो टाइम पास के लिए क्या करें, पतंग ही उड़ाएंगे आज। सो गाइस हमारा चाय बनकर तैयार हो चुका है, हमने कप में भी निकाल लिया है। और जो देखिए सुहानी जो है ब्रेड में हम बटर लगा के दिए थे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो चीनी डालकर खाती है, तो चीनी डाल ली, तो चीनी इसको रख देते हो। लव यू, हटाओ इसको उधर। गाइस देखिए इसको कैसा लगा चाय। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा फिर? गुड मॉर्निंग। अगर गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाँ ऐसे बोला जाता है। तो गाइस फाइनली चाय पी ली है, चाय पीकर मज़ा आ गया आज जो है सुबह का, बहुत ही ज़्यादा मतलब फीलिंग आता है गाइस चाय पीने के बाद, लगता है कि हाँ सुबह का टाइम में, सुबह सुबह अब हम लोग का सुबह हुआ, ऐसा लगता है चाय पीने के बाद। अरे सुहानी भी देखे चाय पी ली है। और खाना क्या बनेगा आज हम बताएं? और देखो वो बता दी क्या बनेगा, सुबह सुबह भिंडी कहाँ मिलेगा? भिंडी तो अभी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा मंडी अभी बंद हो चुका होगा। तो आप बताओ। हम क्या बताएं, हम बताएंगे कि पोहा बनाओ। ठीक है जाओ बनाओ। तो गाइस सुहानी तो चले गई है वॉशरूम में, सारा कपड़ा वगैरह बहुत सारा गंदा था धोने के लिए, और ये स्वीटी देखिए नहावा के मस्त फ्रेश हो गई है। और उनको चलना होगा कुछ खाने के लिए सामान लाने के लिए, और सुहानी बोल रही है पोहा बनाएंगे, तो हमको पोहा का जो भी इंग्रेडिएंट्स लेना पड़ेगा नीचे से जाके दुकान से,
चलिए चलते, चलो स्वीटी तुमको हम दे देंगे लेकर आ जाओ। स्वीटी तो गाइस हमने सारा सामान ले लिया है, पोहा का जो भी है ये, और शैम्पू और इधर बादाम वगैरह ले जाओ। तो गाइस हमको जो है सब कुछ सामान दे दिए घर में पोहा खरीद कर और बनाने के लिए, और हम जा रहे हैं अभी पतंग खरीदने के लिए पतंग के दुकान पे, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो सोचे थोड़ा उड़ा लेते हैं। तो गाइस हम आए थे पतंग लेने, बट जो है पतंग का दुकान ही बंद है, मेरा लक अच्छा ही नहीं है गाइस, तो आज पतंग उड़ाना कैंसिल, अब चलते वापस घर। सो गाइस घर आ चुके हैं, सुहानी अभी भी वॉशरूम में कपड़ा ही धो रही है, देखिए वॉशरूम बंद है, और ये मेरी छोटी सिस्टर को देखिए ये क्या कारीगरी कर रही है, नेल पॉलिश लगा रही है गाइस। तो गाइस अभी देखिए सुहानी पोहा बनाना शुरू कर दी है, यहाँ पे चना बादाम को जो फ्राई किया जा रहा है, उसके बाद हमारा पोहा भी है जो उसको सुहानी अच्छे से फुला दी है पानी में। तो गाइस खाना वाना मतलब खा कर, अभी तो फिलहाल में पोहा है तो यही हमारे लिए खाना है, जिसको खा कर रील शूट करेंगे। गाइस अभी जो पहले बन जाता है खावा वाले थे, उसका रील शूट करेंगे, और आप लोगों को तो पता ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा, आराम से हमारा रील्स तो एंजॉय कीजिए। सो गाइस पोहा हमारा बन कर तैयार हो चुका है, इधर देखिए वाह कितना मस्त लग रहा है गाइस, और वहाँ पे देखिए वो सो गई है, पोहा बना बना के थक गई थी तो सो गई, क्या हाल है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा पोहा कितना मस्त लग रहा है देखने में, और ये हमारी जो है वाइफ बनाई है पोहा, कितना ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम विटामिन उसमें डाल के रखी हुई है, देख सकते हैं इतना ज़्यादा चना मन विटामिन की कैप्सूल। अच्छा मतलब ये खा के इंसान भूख तो नहीं मिटा, गोरा हो जाएगा ना इसका मतलब, और ये टेढ़ा काय हो रही है, इसको क्या खिला दी तुम। तो गाइस चलिए थोड़ा खा के देखते हैं कैसा पोहा है। Wow, nice. I love you. So guys, अब रील शूट करते हैं, क्योंकि समय देख सकते हैं घड़ी में शाम का 5 बज गया है गाइस, तो हम और आज थोड़ा लेट से क्योंकि समझ नहीं आ रहा था किस गाना पे शूट करे, सो बहुत देर से रिसर्च कर रहे थे, सॉन्ग ढूंढ रहे थे, तो लास्ट में एक दो सॉन्ग जो है हमको अच्छा लगा है को हम सेव कर लिए, और उसी पे जो है हम लोग का सूट तैयार करेंगे वीडियो को, और सुहानी का जो सूट है आज ये ड्रेस में सूट है इधर देखो। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रही है सुहानी। चलिए गाइस हम भी रेडी होते हैं, सुहानी तो रेडी हो गई, अब हम रेडी होते हैं उसके बाद रील शूट करते हैं। सो गाइस पहले चलते हैं स्कूल लेकर, वहाँ सेट कर देते हैं लाइट, रिंग लाइट, अब क्योंकि वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है। खड़ा हो जाए सही से, इसको देखिए गाइस ये पहले से डांस स्टार्ट कर दी। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने जो है रील शूट कर लिया है, और आपको हमारा रील जो है इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिलेगा। सो गाइस आपको जो है इंस्टाग्राम पेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रही है हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पर आपको सारा वीडियोस भी मिलेगा, आप लोग जाइए फटाफट चेकआउट कीजिए, और जिन लोगों ने भी फॉलो नहीं किया है हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। सो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो शूट कर चुके हैं, अब शाम का भी वक्त हो चुका है, देख सकते हैं घर ही में 6 बज गया है, और सुहानी पूरा थक गई है वीडियो शूट करके, और हम भी थक गए गाइस। सो गाइस शाम का वक्त हो चुका है, और हम नहा कर मस्त फ्रेश हो गए हैं, घर ही में देख सकते हैं शाम का 8:20 हो गया है, और गाइस अभी तक कुछ खाना नहीं बना है, सुहानी से पूछते हैं आज खाना बनेगा कि नहीं, क्या हुआ आज खाना नहीं बनेगा, बनेगा। तो गाइस हमको चलना होगा बाहर सब्जी लाने के लिए, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है, और सब्जी में सुहानी बोल रही है हमको, सुहानी बोल रही है सब्जी में हमको अरवी का पत्ता जो होता है ना गाइस, आप लोग शायद आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नहीं पता, मेरे लैंग्वेज में अरवी का पत्ता, उसको जो है उसका सब्जी सुहानी को खाना है। तो गाइस हमको भी जाना है अरवी का पत्ता लेने के लिए, और वो लेकर आएंगे, उसका सुहानी बनाएगी जो भी बनाना होगा, और आप लोगों को बनाने का बाद खा कर बताएंगे कि गाइस कैसा बना है। तो पहले चलिए अरवी का पत्ता लेकर आते हैं मार्केट से। तो गाइस हम मार्केट गए, बट हमको अरवी का पत्ता मिला नहीं, तो हम आ गए भिंडी लेकर,
और सुहानी और मेरी सिस्टर दोनों मिलके सब्जी बनाने में जो है एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। देख सकते कितना दोनों में प्यार है। आए हाय पदुवती पदुवती अखे मिले कदी कदी भिंडी बने कभी कभी। तो गाइस आज भिंडी ही खाना पड़ेगा। मैंने अंकल को बोला है, वैसे मतलब वो बोल रहे कि यहाँ पे मिलता ही नहीं है अरबी का पत्ता, यहाँ पे मतलब बहुत कम मिलता है। तो अंकल को मैंने बोला है कि आप कहीं से भी मुझे कल ला कर दो। तुमने बोला है कल हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ला कर दे। तो आज जो है भिंडी से ही काम चला रहे हैं, भिंडी का भुजिया बन रहा है। ये भी गाइस मेरा सिस्टर का बहुत फेवरेट है, इसको बहुत अच्छा लगता है इसका भुजिया खाने में, इसीलिए बन रहा है घर में। और देखिए मेहनत भी कर रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा खाएगी भी हमको पता है। तो गाइस अब जो है खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देखिए सुहानी रोटी बना रही है शायद, और इधर भुजिया भी बनकर तैयार हो चुका है गर्मा गर्म। तो भाई समय भी हो चुका है बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अभी 10 जो है बजने वाला है, अभी बजा नहीं है। और खाना बन जाता है, फिर खाना वाना खाते हैं गाइस। और रात हो चुका है, हम कल रात को थोड़ा लेट से सोए थे क्योंकि एडिटिंग वगैरह हमको रात में ही करना पड़ता है, तभी जाकर हम सुबह में अपलोड करते गाइस, जिसकी वजह से। तो आज जल्दी सोने का कोशिश करेंगे गाइस, थोड़ा थके थके लग रहे हैं। सो गाइज हमारा खाना निकल कर आ चुका है, भिंडी का भुजिया और रोटी। सो गाइज खाना वाना खा लिए है और पेट मेरा हो चुका है फुल, और अब आ रहा है हमको बहुत जोर से नींद। सो गाइज चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे हमारा ब्लॉग को समय निकाल कर जो है देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।